दोस्तों जिपमर एमबीबीएस एडमिशन 2020 स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग क्या है, डेट कैसे होगा, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या सारे कैंडिडेट जिनके नाम एमसीसी की वेबसाइट पर है, मोर देन 40,000 कैंडिडेट्स, क्या वो सभी एलिजिबल हैं इस राउंड के लिए या फिर कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं। देखेंगे कंप्लीट लिस्ट जो सेलेक्टेड हैं वो, इसके अलावा क्या आपका नाम कैसे आएगा, आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, आपके इन सभी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिलेगा आपको जिपमर स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग 2020 नीट के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एमबीबीएस के लिए। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी गवई। सो फ्रेंड, स्टार्टिंग विद द वीडियो, जिपमर की स्ट्रे वैकेंसी की काउंसलिंग की अगर हम बात करें एमबीबीएस एडमिशन की, देन फ्रेंड्स ये वो नोटिफिकेशन है जो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी जिपमर की ओर से 8/1/2021 को लाइव किया गया है और इसमें वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं जिनको की ज़रूरत है काउंसलिंग में स्ट्रे वैकेंसी की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें देन ये जो गाइडलाइंस है, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो या नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है, राइट, और वो लिंक क्या है, क्योंकि ये जो PDF है ये स्कैंड इमेज में है और इसके पे जो लिंक दिया गया है ये डायरेक्टली यहाँ से क्लिक नहीं हो रहा है। आपको लिंक पे जो रजिस्ट्रेशन है उस लिंक पर क्लिक करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, तो उस केस में हम आपको वो लिंक भी प्रोवाइड करा रहे हैं जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें, ताकि आप आसानी से लिंक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। खैर, बात अगर हम करें देन काउंसलिंग की, स्टे वैकेंसी की, जिपमर की, देन फ्रेंड्स टोटल सीट जो अवेलेबल है उसे जिपमर ने 8/1/2021 को पब्लिकली जो है उसे पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट पे, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिपमर की ओर से, जहाँ पर अनरिजर्व के लिए 6 सीट है, EWS के लिए 2 सीट है, MBBS में OBC के लिए 6 सीट है, SC के लिए 4 सीट है, NRI जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 सीट है, टोटल 19 सीट है, और ये 19 की 19 सीट पुडुचेरी में नहीं है, जिपमर में, जिपमर के कराईकाल कैंपस में है, राइट। सो अगर आपका नाम जो मेरिट लिस्ट है ऑल इंडिया की एमसीसी की वेबसाइट पर, जो कि 2100 पेज की जो लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम है, तो आप ये सोच रहे हैं कि मुझे जिपमर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट जो है जिपमर के लिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में, उनके बारे में भी बात करूँगा, सिर्फ वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। खैर, जो डेट है फिजिकल रजिस्ट्रेशन ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, राइट, ये 10 तारीख को फिजिकल रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उससे पहले होगा, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 8 तारीख को शुरू हुई, यानी आज शुरू हुई, और ये 9/1/2021 यानी 9 तारीख को 2 बजे, दोपहर 2 बजे के बाद ये क्लोज हो जाएगा, यानी 2 बजे या फिर उससे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं देन आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सिर्फ वही लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो जिनका नाम जिपमर ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। कौन से वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वीडियो के बाद में। खैर, बात कर लेते हैं, 10/1 को फिजिकल रजिस्ट्रेशन होगा, टाइम है 8 बजे का, काउंसलिंग टाइम है 10:30 बजे, वेन्यू है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिपमर ऑडिटोरियम पुडुचेरी में, कराईकल कैंपस के लिए होगा लेकिन पुडुचेरी में आपका काउंसलिंग होगा, राइट। सो अगर आप जिपमर कराईकल के लिए भी, क्योंकि सीट सारी कराईकल में है लेकिन जो उसकी काउंसलिंग होगी कराईकल की वो होगी पुडुचेरी में, यानी यहाँ पर आपको जाना है 10 तारीख को यानी 10 जनवरी को, राइट। क्लोजिंग टाइम जो है 10:30 बजे है, 10:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, 8 बजे से पहले अगर आप पहुँचते हैं दिस इज़ गुड, 8 से 10:30 के बीच में एंट्री होगी, 10:30 के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, उसका वेरिफिकेशन वहाँ पर होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी जो कैंडिडेट 8 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में 2 बजे से पहले, 9 तारीख 2 बजे दोपहर के पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, प्लस वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन कराएंगे, वेरिफिकेशन कराने के बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनकी लिस्ट बनेगी और वो लिस्ट जो है वहीं पे यानी फिजिकली तौर पे वहाँ पे दी जाएगी 10 जनवरी को 1:30 बजे, राइट, उसी अब्दुल कलाम जिपमर ऑडिटोरियम पुडुचेरी में कैंपस में ही ये ऑफलाइन मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी और उसमें से जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको कैटेगरी वाइज सीट अलॉट की जाएगी जिपमर कराईकाल के कैंपस में, राइट। ऑफलाइन होगा कंप्लीट मोड, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाना है, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन स्लिप जो कि स्टे वैकेंसी में आपको MCC से डाउनलोड करना है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके पास स्टे वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन स्लिप का एक टैब आता है, वहां पर आपको क्लिक करके उसको डाउनलोड करना है, उसमें लिखा है साफ साफ कि यू आर एलिजिबल फॉर
जिपमर या फिर ओपन या एम्स या बीएचयू या एएमयू के जो स्टे वैकेंसी है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। नीट का स्कोर कार्ड आपको लेना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th 12th की लेके जानी है, इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, रेजिडेंस डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इसके अलावा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, एससी एसटी का अगर है जो भी कैटेगरी वाइज आपका सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, ईडब्ल्यूएस अगर है तो ईडब्ल्यूएस लेके जाना है, करेक्ट। एनआरआई के लिए जो एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाना है, जो कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं एमसीसी की वेबसाइट पे कम्प्लीटली दिया हुआ था काउंसलिंग प्रोसेस में भी, फर्स्ट सेकंड एंड मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में, ओके। इनमें से अगर कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, ओरिजिनल्स नहीं है, देन आपको जो काउंसलिंग प्रोसेस है उससे बाहर किया कर दिया जाएगा वहाँ पे, ओके। पेमेंट ऑफ एकेडमिक्स 12,620 रुपये जो कैंडिडेट की फीस है, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जिपमर पुडुचेरी पेबल एट पुडुचेरी, यानी आपको डीडीबी लेके जानी है 12,620 की। हॉस्टल एकोमोडेशन आउटस्टेशन स्टूडेंट जो हैं उनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, लोकल स्टूडेंट्स उनके लिए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो हॉस्टल के चार्जेस हैं ये है 6,000 इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस प्लस कॉशन डिपॉजिट है 5,000, मिस डिपॉजिट है 3,000 रुपये, ये टोटल आपको वहाँ पे करना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, राइट। ये वो फॉर्मेट है जो अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर या फिर एस सी एस टी का जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो यहाँ पे दें, इसी फॉर्मेट पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास ऑलरेडी होगा ही। खैर जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन बात ये देखें कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। देन फ्रेंड्स, जिपमर ने अपनी वेबसाइट पर एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो उन्होंने पब्लिश की है। आपका नाम अगर इस लिस्ट में है देन डेफिनेटली यू कैन पार्टिसिपेट, लेकिन अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, राइट। टोटल अगर हम बात करें सीट्स की, देन जो अभी प्रीवियसली अभी हमने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया कि डिफरेंट जो जिपमर का कराईकल कैंपस है उसमें टोटल सीट कितने अवेलेबल हैं, देन 6 सीट अनरिजर्व के लिए है, राइट। यानी 6 के अगर जो एमसीसी का गाइडलाइन है, इसका मतलब कि 60 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं जिपमर में और ये वो कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पर एक कंप्लीट डिटेल है उनकी, राइट। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट है। अगर आपका नाम इनमें है देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई, और ये वो लिस्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका नाम है तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 2 सीट्स हैं, लेकिन 20 स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ओके। और उसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका नाम भी है, इसके साथ साथ एससी एसटी कैटेगरी का भी नाम यहाँ पर है। तो आप ये चीज़ देख लीजिए, अगर आपका नाम इस लिस्ट में है देन आप जाइए, अगर लिस्ट में नहीं है देन आप कोर्ट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, करेक्ट। ये जो कैंडिडेट की लिस्ट है फ्रेंड्स, इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल रहे हैं। जो ब्रोशर है यानी जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है एमबीबीएस का जिपमर का, यानी ये जो एकेडमिक सेशन का है, इसको हम लोग अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। ये लिंक है www.digialm.com.eforms, ये कंप्लीट लिंक है, लेकिन इस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये इमेज के फॉर्म में है और यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक नहीं होगा। तो उस केस में ये जो लिंक है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं देन फ्रेंड्स, हमने आप लोगों के लिए ये लिंक को कॉपी करके जब देखा हमने, देन ये करेक्ट लिंक है और ये लिंक फ्रेंड्स जिपमर की है, स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म है, ये आपको भरना है। यहाँ पे कोर्स अलॉटेड, यहाँ पे आपको जाके पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब देनी है, राइट। और उसके बाद आपको नेक्स्ट करते जाना है, यानी ये जो लिंक है फ्रेंड्स, इसको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें हम लोग अपलोड कर रहे हैं ताकि आप वहाँ पर जाके एप्लीकेशन कर सकें। रजिस्टर्ड यूज़र कैन लॉग इन हियर, राइट। और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो उनको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स हम लोग डाल रहे हैं। आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर शो हो रहा था उस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, हाउ वाज दिस वीडियो? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर दिस कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू नेवर मिस एन इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग नीट 2021। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेट कमिंग, थैंक्स अ लॉट।